उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मा नगर में आयोजित एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद कुछ लोग मृतक व्यक्ति को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की पुष्टि होते ही सब लेकर अस्पताल पहुंचे लोग भी वहां से फरार हो गए। मृत जवान की लाइसेंसी पिस्टल भी गायब हो गई। देर रात तक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे रहे। वहीं मृतक के चाचा का लड़का महेंद्र ने बताया कि हमारे यहाँ चाचा 2 बजे रात को आए और बताएं तो हम लोगों को सूचना मिली। मृतक बाबूलाल सेना में थे, वह छुट्टी लेकर घर आए थे और अपने मित्र मनीष सिसोदिया की शादी में भाग लेने रावर्ट्सगंज गए हुए थे, जहां उनको गोली लगने से मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जांच पड़ताल करे और जो भी गलत हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हर्ष फायरिंग के दौरान बाबूलाल को कैसे गोली लगी यह तो जांच का विषय है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर जवान का लाइसेंसी पिस्टल गया कहां और उसके सबको अस्पताल से छोड़कर भागने वाले लोग कौन थे। विराट 24 के लिए सोनभद्र से अनिल कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। कहां के रहने वाले हैं? महुआरी। अच्छा, ये जिसको गोली लगी है क्या लगते हैं? हमारे चाचा के लड़के हैं। तो किस कारणों से इनको गोली लगी क्या आपको लगता है? सर अब ये शादी में गए थे, राव सिंह में रहते थे रूम लेकर के, छुट्टी पर आर्मी में थे, छुट्टी पर घर आए थे। अब कौन मारा कैसे मारा शादी में, अरे तो पुलिस जांच करेगी तब बता सकती है। तो ये कहाँ शादी में आए थे? ये शादी में हम लोग को तो पुलिस वाले ही बता रहे हैं कि शादी में ब्रह्म नगर में है, आशीर्वाद वाटिका है, उसी शादी में गए थे। इनका कोई दोस्त है मनीष नदेशिया करके हैं, उसी की शादी में गए थे। तो आप लोग को क्या लगता है? अब सर ऐसे अज्ञात में हम लोग क्या बता सकते हैं, पुलिस जांच करे तो फिर कोई सही जो गलत है उसी को दंड मिले। तो आप लोग को सूचना कब मिली? हमें जो सूचना मिली वो जो आर्मी है बाबूलाल उसके पिताजी, हम सोए थे तो 2 बजे हमारे पास गए तो जगाए कि बाबूलाल का एक्सीडेंट हो गया है, चलना है राव सिंह। तो हमने कहा कि यार एक्सीडेंट हुआ है 12 बजे रात को। तो हमने कहा कि फ़ोन किया है आपको, फ़ोन नंबर दीजिए। तो हमने नंबर लिया तो फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यार एक्सीडेंट क्या, वो तो एक्सपायर हो चुके हैं। तो पोस्टमार्टम वगैरह हो गया? अभी सर मैं थाने से आ रहा हूँ, पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है।